इस कहानी का ताल्लुक सन 1942-43 के एक मजदूर आंदोलन से है। कहानी सच्ची है लेकिन इसके कैरेक्टर्स ख्याली हैं। मुल्क में एक तरफ बरतानवी साम्राज्य का चिराग टमटमा रहा था, दूसरी तरफ मनमाने बेलगाम फासिज्म के खिलाफ दुनिया का निडर इंसान छाती खोलकर खड़ा हो गया। इस इनकलाबी तूफान में एक नया हिंदुस्तान जन्म ले रहा था। हिमालय की खामोश वादियों में एक रात चंद भयानक साए बढ़ते चले जा रहे थे। इनकलाब के नाम पर अपने ही एक इनकलाबी साथी की तलाश में जी, हमारा कसूर क्या है? हम सो रहे थे। आप चुप जाओ, बैठ जाओ। कहा चलो बैठ जाओ। चलो अरे हाथ आंख पर पट्टी बांध कर लिया है, तीनों टंकी का तमाशा देखा है। गोली चलाने की जरूरत नहीं, पकड़ लो इस गद्दार को। आओ माँ का दूध पियो तो एक एक करके आवा। अच्छा बैठ जा ललिता, बैठ। उठा के डाल दो इसे उस कुर्सी पर, गैस बत्ती रखो उसके करीब ताकि ये सब अपने सगीना महतो का चेहरा अच्छी तरह देख सकें। छोटे सपने आवार, छोटी आशा छोटा प्यार। छोटे छोटे सपने आवार, छोटी आशा छोटा प्यार। छोटा सा पर्वत पे गाओ, छोटी सी झोपड़ी आवार। जहाँ चोरी चोरी कोई गोरी, पल को मिली मैंने धोरी।
हंस हंस रही निहार। महातो कहाँ हो, कुछ खबर है? ये अदालत है। जज कौन है बाबू? ये हंसी तुम्हारे चेहरे पर से नोच ली जाएगी सगीना। आज जनता की अदालत में तुम्हारा मुकदमा पेश होगा। हम क्या साला तुम्हारी औरत को भरा के ले गया? अरे पूछो, ये जज साहब से पूछो। बदतमीज, तुमने जनता से गद्दारी की है सगीना। मजदूरों का ऊंचा आदर्श तोड़ा और वो महान सपना जिसको हमारी यूनियन के झापाल सिपाहियों ने अपने खून से सींचा, उस सपने को तुमने अपने नापाक पैरों के नीचे कुचल दिया। तुम जनता के दुश्मन हो, चोर हो, तुम्हारी इसीलिए यहाँ लाए गए हो। वाह बाबू जी, अरे हम जो चोर हैं तो सला रात के वक्त ये जंगल में हम काहे ले गए हो? चोर हैं तो थाने ले जाओ, उधर पुलिस चौकी में पुलिस के हवाले करो। अंग्रेजी सरकार की पुलिस हमारा कोई सरोकार नहीं। सुना ए गुरु, ए लोग सुना सब, ए हमारे जज साहब का पुलिस के साथ कौनो सरोकार नहीं है। खरगोश, ये जनता की अदालत है, यहाँ अदालत के तमाम नियमों का पालन किया जाएगा। जनता तुम्हारे खिलाफ गवाह पेश करेगी और तुम्हें भी अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। सगीना, हम किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करना चाहते। बहुत मेहरबानी साहब, मुकदमे की कार्रवाई और गवाहों के बयान सामने रखकर अदालत अपना फैसला करेगी और वो फैसला आखिरी फैसला होगा। अदालत अगर चाहे वो तुम्हें रिहा भी कर सकती है, और अगर न चाहे तो वो फांसी का फंदा तुम्हारे गले में डाल दिया जाएगा। और फिर खेल खत्म, पैसा हजम क्यों? अब मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है। द कोर्ट इज इन सेशन। मुजरिम सगीना महातो खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। क्यों? सगीना महातो, ये अदालत है, यहाँ का हर हुक्म तुमको मानना पड़ेगा। खड़े हो जाओ। तेरा हुक्म? खुले आधी रात में ही लाके जंगल में बिठाई दिया कुर्सी पे। खुले बोलता खड़े हो जाओ। नहीं खड़े होंगे बाबू जी। मुजरिम सगीना महातो इस अदालत में हाजिर है। जनता की तरफ से उसके खिलाफ लगाए गए इल्जामात पेश किए जाते हैं। इल्जाम है कि मजदूर संघ का मेंबर होकर सगीना महातो ने मजदूरों के साथ विश्वासघात किया। मजदूरों की एकता और उनके संगठन को तोड़ने की कोशिश की। इल्जाम है कि मजदूरों के विश्वास और उनसे पाई हुई ताकत को सगीना महातो ने विदेशी कंपनी के हाथों बेच दिया। मजदूर संघ के साथ उसने गद्दारी की। इल्जाम है कि जब हिंदुस्तान के लाखों भूखे नंगे मजदूर एक झंडे तले इकट्ठे होकर अपनी रोजी रोटी की मांग कर रहे थे, सगीना महातो रिश्वत खाकर विदेशी कंपनी का दलाल बन गया। उसने कंपनी के साथ छिपा हुआ समझौता किया और उसने मजदूरों के इंकलाबी संघर्ष का सर्वनाश किया। क्या भाई लोग, ये मेम साहब इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, किसी के समझ में आया कुछ? एक गुरु,
तेरे बल्ले कुछ पड़ा? अरे खाक समझ में आया है ए भाई लोग आप। मैं समझाता हूँ सगीना महातो, मजदूर जनता के आगे तुम जो खुद चिल्ला चिल्ला कर भाषण करते आए वो तुम्हें याद है? भाषण तो बहुत लंबा चौड़ा किया रहा बाबूजी, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला, लेकिन वो बात का मतलब साला आज समझना। एक गरीब मजदूर आदमी का क्या भाषण बाबूजी, थाले एक ही बात, उसके पेट का भूख बस। ये सूचना तुम्हें देर से आई सगीना, कंपनी का कुत्ता है सगीना महातो, जो मजदूरों पर भोंक भोंक कर कंपनी के तलवे चाटता है। गवा जंग बहादुर पेश हो। जंग बहादुर, इस आदमी को पहचानते हो? क्या नाम है इसका? सगीना महातो। इसके बारे में तुम क्या जानते हो? ये गद्दार है सब गद्दार, दिन रात कंपनी मस्का पालिश करते, भाड़े का टट्टू है सब टट्टू। मतलब हर मामले में साला पॉलिसी चला दो और कंपनी के साथ मिलके मजदूर दल लड़ाई चौपाट कर दी दो। अबे देखता क्या आप खाते साला 420 भाइयों, एक रोज ये सगीना अमर औरत को जोर जबरदस्ती उठा के लेगा। ए हरामखोर, कौन है रे तेरी औरत? तू है कौन है? अरे तो बाप भी कभी किसी को घर में लाए के रखे रहा कमीने, जम तू औरत वाला हो गवा। अरे अगर मैं इंसान है पत्ता डाक करो ना बाबू जी, ही लुच्चे का गवा चुने हो जो दो ही पैसे के खातिर अपनी मैया को भी बाजार में बेचा। ये तो हम भी बोलेगा बाबू जी, इस हराम खोर के जन्म में खोट है, इस छोकरी के साथ जो इस दलील ने किया वो एक बाजारी कुत्ता भी नहीं करता बाबू जी। जब अदालत को तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम्हें बुलाया जाएगा। हम चुप कैसे रहेगा बाबूजी, हमसे पूछो ना कि सच क्या है। ये हरामखोर सगीना को क्या जाने जो गवाही देने चला आया है। बाबूजी आपने एक दिन मजूरी नहीं किया, हमने 40 साल मजूरी किया, बहुत लाद जूता खाया कंपनी का बाबूजी। बाबूजी हम डंके की चोट से कहता है कि सगीना गद्दार नहीं है, सगीना मजदूर की आबरू है, सगीना मजदूर की ताकत है। चोर की औलाद है, खूब बजाते है। का नाम है उसका? उसका नाम है सगीना महातो। उसके मुंह पे कोई गाली देता है ना तो उसका दम निकाल लेता है वो, यही खातिर ये बुद्धिमान उसको उसकी पीठ के पीछे चोर बोला। ए जंग, ए इस बार कितने मजदूर डांस लाया रे? 200। ठंडा आजकल बहुत डाउन है। डाउन है तो ऐसे करो के मेरी मजदूरी के पैसे तुम ले लो और अपने जलाने का रोगरा मुझे दे। किसको टट्टू का लाड ला है? उसको साथ हम शादी मनाएंगे, उसकी दाई को मैंने 200 रुपया दिया है। अरे दाई को 200 दिया तो फिर दाई को टट्टू पे लाना था, इसको क्यों लाया? ए क्या नाम है तुम्हारा? है ए साला हरामखोर। ए जंग, ये वस्तु तुम्हारे पास की नहीं दिखती गुरु। जंग बहादुर का चक्कू का तेज भूल गया क्या साला? ए जंग, हमका तो ये साहेब लोगन से डर लगे थे रे। अरे डर किस बात की, हमारे साहेब बहुत अच्छा आदमी है, खबर मिलते ही तुझको फौरन बुलाया, साहब तुमको तोहफा देगा, तोहफा चल। ना बाबा हमका तो डर लगे थे। अरे दौरे की छू आए। कमेन कमेन अंदर वाइ माइ गुड, शी इज वेरी गुड। सबको सलाम कर। सब
आई विल गिव यू 30 रुपीज अ मंथ. हम तुमको 30 रुपया महीना देगा. तुम इधर में काम करेगा एंड यू विल लुक आफ्टर मी. जंग तुम अंदर से जंग. कम ऑन लेट्स गो टू द कल जो छोकरी जंग बहादुर लाया वो तुम्हारे पास है? साहब वो बेचारी भागी भागी आ रही थी, हमसे टकराई और गिर गई, बेहोश हो गई, हम उठाकर घर ले गया. सुनो, आज हम टी गार्डन का दो दोस्त को रात को डिनर पे बुलाया खाना खाने के वास्ते. तुम वो छोकरी को लेके बराबर रात का 8 बजे हमारा बंगला में आ जाना. साहब ये दलाली का धंधा वो जंग ही करता है, मैं नहीं करूंगा. यू डैम फूल, कल से तुम काम पे मत आना. तुम साला डिसमिस हो गया, तुम्हारे फैक्ट्री का दरवाजा बंद है. साहब 30 बरस से हम इस कंपनी का नौकरी कर रहा है, कितना खून पसीना किया होगा हमने, और तुम ये इनाम दे रहा है कि हम अपनी बहू बेटी को तुम्हारे पास सप्लाई ना करें तो हमारी नौकरी गई. साहब ये बहुत नाइंसाफी है, कान खोल कर सुन लो, हम भी चुप नहीं रहेगा. आई विल किक यू. ए क्या अंग्रेजी बोलता है, सीधा साधा बोल. अगर फिर कभी तुम फैक्ट्री में कदम रखा तुमको बॉयलर में डाल देगा, तुमने फिर इंजन चला दिया. देखो काय लोग, देखो देखो तुम्हारा, देखो वो हराम कर मुझे लात जूते से मारता रहा और तुम आकर खड़े हो गए. बस चुपचाप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन वो तुम लोगों को भी मारेगा, मैं भी ऐसे ही खड़ा हो जाऊंगा चुपचाप आकर. एक दिन वो तुम सबको नौकरी से निकाल देगा, तुम्हें खड़े होकर हटूंगा. उसने मुझे मारा और कोई बचाने भी नहीं आया. ठीक है, मार मार के लहू लुहान कर दिए सारे, काम भी किए जाओ और जूता भी खाए जाओ, ये इनाम मिला है 30 बरस की किस्मत का. देखा हो ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे. सोता है, बहुत जागा है ना. ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे. भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी. यही खा के तो जवान होगा बेटा. भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी. खेल खेल के माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है ना जुल्फों में तेल. अरे अपनी भी जवानी क्या है सुनत है वार. आग लगे हमरे झुपड़िया में, हम गावें मल्हार. देख भाई कितने तमाशे की जिंदगानी हमार. हमारे
आहे आई नगरी हमारी। जा भग, जा भग। सजनी तू कहे आई नगरी हमारी, धरेगा विदेश बाबू बही अतिहारी। थाम 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 गोरी जरा थाम, नहीं लुट जाएगी राम कसम। क्यों नहीं आएगा रे सुन के पुकार, आग लगी हमरी झुपड़िया में, हम गावई मल्हार। देख भाई कितने तमाशे की जिंदगानी हमार। आग लगी हमरी झुपड़िया में, हम गावई मल्हार। देख भाई कितने तमाशे की जिंदगानी हमार। भाई चकरी का देखा थे? अरे देखे का है का, ये बस्ती माँ तो एक से एक दारू बाज रहा है। सब चोर चक्के गुंडे कहे। बेफजूल है, हमका गाड़ी देते है। जाना चाहिए, हमारा नाम सजीना महातो है और हमारा नाम ललिता। होएगा होएगा, खबरदार जो आइंदा हमारे सामने कौन गुस्ताखी की तो नई चिड़िया है। इसलिए आपकी बार माफ किए देते। जो माफ कर दिए हो महाराज, तो तनी रास्ता भी तो छोड़ दो गरीब लोगन की जाए खातिर। अरे वाह, तू तो फटे सराफत में आए गई। यही बात हमरे मन भाए गई, अब घुस गई दिल के अंदर। आज से हम तुम दोनों फ्रेंड है, फ्रेंड। कौनो आपस मुसीबत होए, रात का टाइम होए या दिन का टाइम होए, तुझे सगीना की आवाज और सगीना साला तंदे आज। काहे की तकलीफ करत हो महाराज, ऐसी वैसी कौनो मुसीबत आफत से तो ललिता खुदाई नहीं पट लेगी। इधर छुपरी चक्कू दिखा दे। तेरा शादी हुआ था? हरा कुत्ता। अरे हम तो से सीधा साधा सवाल पूछे, तू हम तो जनाजन गाली दे थे। अरे तो के नहीं रे, ये तो जंग के बच्चे को दे थू। उका दे दे तो दो चार और दे दे, हमसे भी उका ना ही बने थे। लेकिन तू इतने समय जा कहाँ रहे है? तुम्हारी अनोखी बस्ती माँ और काका नमूना है, वही देखे जात। अरे इका खवाई नमूना तेरे सामने। हाँ खड़ा रहे खड़ा रहे, डट के खड़ा रहे। Why so late? Tell you. हम 4 महीने से डोरिंग का छुट्टी लिया साहब। एक दिन में दारू चलाएंगा खूब, दूसरे दिन में सिलीगुड़ी में जाके फिल्म देखेगा। Then what the hell are you doing in the factory? निकल जाओ यहाँ से। फैक्ट्री का तुम्हारा बाप साहब। What? कनिंगम साहब के साथ हमारा बात हुआ है। ऐसा फैसला हुआ कि कोई साला हरामखोर ये फैक्ट्री के अंदर बेकार का दानागिरी नहीं करेगा। तुम हमारा बूढ़ा गुरु को मारा। I will tell you, he disobeyed my orders.
वो हमारा हुक्म नहीं माना। अरे क्या था तुम्हारा ऑर्डर साला छोकरी सप्लाई करने का? स्मिथ साहब, अगर तुम्हारा बंगले में घुस के हम तुम्हारे वो गोरा मेम साहब को दबा के बैठ जाएगा तो इसके पास सर पे बिठाओ इस गोरी चमड़ी वाले को, तुम्हारी बहू बेटी की इज्जत करेगा और तुम लोग बाजार में खड़े होकर ताली बजाना। अरे थू है साला, थू है। अगर सगीना को इस बात पर कंपनी काम से निकालेगा तो फिर हम लोगों में से भी कोई काम पे नहीं जाएगा। आज से काम बंद, काम बंद, शादी से पहले मिलना जुलना शुरू कर दिया। ओ, भागता नहीं तो थप्पड़ मारता। काम बंद, काम बंद रे। You and you alone are responsible for all this. I will not tolerate insubordination. Oh, shut up! Look, I warn you for the last time. Leave the coolies alone, or you know very well what will happen. Hey, you're a brave boy. तुम हिम्मत वाला आदमी है। हैं साहब, हम गरीब लोग तो हिम्मत हिम्मत वाला आदमी नहीं है साहब। डरता है हम लोग, डरपोक है ये। अपना छोटा छोटे बच्चा के पेट को डरता है हम लोग साहब। तुम्हारे साथ बात करेगा रिगार्डिंग दिस स्ट्राइक। ये काम बंद साहब, और साहब इन सब से पूछो कि मेरा क्या कसूर था। बिना किसी गलती के लाल जूते से मारा, लव लुहान कर दिया साहब। है साहब, 30 साल से इस कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, खून पसीना एक कर दिया। आखिर मैं ऐसी बेइज्जती। आई नो हम जानता है। स्मिथ हैज बीन ड्यूली वॉर्न्ड। तुम लोग भी मिस्टेक किया। यू हैड नो राइट टू असॉल्ट वन ऑफ माय ऑफिसर्स एंड इन माय फैक्ट्री। Anyway, कुछ बात नहीं, चलो चाय पियेंगे, बात करेंगे। Come on. पोजीशन डाउन हो गया सर। अरे वो कैसे डाउन हो गया? इतना बड़ा जनरल मैनेजर चल के अपने पास खड़े रहता, चाय पीने को भूलता है। माफ कर देंगे तो अपना पोजीशन भी रह जाएगा। माफ कर दो ना। अच्छा 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 काम। अभी जो बोलेगा नहीं, नहीं तो नहीं। जब चमकई बिंदिया तोरी आधे रात, पैदल जा छुए नसिया तोरी यही बात। जब चमकई बिंदिया तोरी आधे रात, पैदल जा छुए नसिया तोरी यही बात।
हो रे जालिम कैसी खड़ी गगरी जैसे रस की भरी देखो रे जालिम कैसी खड़ी गगरी जैसे रस की भरी गजब चमकई हाँ गजब चमकई बिंदिया तो भी आधी रात लग तो चंक मारे जैसे जाना गए को हम लोग कंपनी के साथ लड़ाई में जीत गए सर जीत गए अभी साला दिल्ली बहुत दूर है तेरा साली वो दूसरे के साथ इधर नाच किया तो तीसरे के साथ तेरा सरमाया किधर गया किसका शादी किसके साथ हुआ रे हाँ तेरा शादी नहीं हुआ तो उसने कहा हमारा काम स्टेप है पूरी तरह से अभी इधर में मीटिंग चलेगा मीटिंग फ्रेंड्स हम सब मजदूर लोग मिलके अभी एक कानून बनाएंगे कानून बनाएंगे कि जो साला साहब लोग का मार खाएगा गुपचुप उस साले को हम लोग भी मिलके सुखाई करेंगे और जो साला साहब लोग को बहुत मस्का पॉलिश लगाएगा घुस घुस करेगा इधर उधर वो कांडी का पेटी होता ना माचिस वो लेके उसका धुती में आग लगा देगा और जोन हराम खोर अपन बहु बेटी का साहेब लोकन के बंगले में ले जाएगा वो काका तुझे छुकरी पॉइंट पकड़ लिया औरत जात हो गए मरा कमा गए एकदम खुला खुला बोल दिया सब ए, जो दलाल साला ऐसा हरामीपन करेगा उसका हम लोग टुकड़ा टुकड़ा बनाएंगे वो टुकड़ा को बोरे के अंदर भरेंगे और वो बोरे को पहाड़ के ऊपर में ले जाएंगे और पहाड़ के ऊपर ले आके उस साला को खाई के अंदर फेंक देगा हम भी पीट देंगे बेटा हमने जिंदगी भर खाली लात दमा दम लात मगर आज तूने हमको एक नया सपना दिया जुर्म के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दी आज से तू हमारा लीडर सगीना हमारा लीडर सगीना को सर पे चढ़ाने वाले तू ही लोग हो तू ही लोगों की जय जयकार ने उसके दिमाग में घमंड और खुदगर्जी का जहर भरा वो अपने आप को एक लीडर एक डिक्टेटर समझने लेकिन तुम्हारे और सगीना के जाति मामले से इस अदालत को कोई दिलचस्पी नहीं अगर इसे दिलचस्पी है तो इस मुकदमे से तो बंदूक हाथ में लेकर मुकदमा चलाते हो बाबू साहब बंदूक के बल पर ही मजदूर सरमायादार भेड़ियों का मुकाबला कर सकता है तू क्या समझोगे इन बातों के बैठो शक्ति राम बहादुर
खुद ही चोर है। लो यहाँ कोई बोल भी नहीं सकता। ठीक है नहीं बोलते। ए तेरे बोले की जरूरत नहीं है गुरु, हम ही बोले हैं। तेरा अंबाजुर आंख मिला रहे। अरे आंख मिला के इधर देख, याद है ससुरत है कंपनी का गोदाम से बोरी चुरा रहा और हम मार मार के तेरे लाल कर दी रहे, याद है? ये भूल गया। देखा साहब देखा, इसरा राम हरामी है, कायदा का उनका कभी परवाह ही नहीं किया, एकदम लुच्चा है साहब। रोज हमारी औरत के साथ तिंगल करता था। किसके साथ? मेरा औरत के साथ। एक दिन सर हमारे आपके सामने इसको उठा के लेके, उस वक्त तू क्या कर रहा था? बिस्तर लगा रहा था। हाँ जवाब दे, तू क्या करता था? बिस्तर लगाता था। बहादुर ठीक ठीक बताओ, ये वाकया कब हुआ और कैसे हुआ? साहब तीन तारीख तो हमारा याद नहीं। इसको याद नहीं, हमसे पूछा हम बता दो। सगीना सवाल गवाह से किया गया है, जवाब भी गवाह देगा। देगा तुमको जवाब देगा। सगीना जिस अदालत में साबित हो जाएगा कि तुम एक बदचलन कुंडे थे जिसका सराफत से कोई सरोकार नहीं था, तुम्हारी जलालत का शिकार तुम्हारे ही मजदूर साथियों की बहु बेटियां बनी, पर्वत की गुफा में से निकल के नहीं आया सगीना, संन्यास ले लिया हो। खूबसूरत छोकरी को देख के तो साला भगवान लोग भी फिसल जाता है। हम तो फिर भी आदमी है और अपना मुंह से बोलता है, हाँ सगीना बुरा काम किया, अलबत किया बुरा काम, लेकिन अपना मुंह से बोलता है ना। तुम्हारी तरह साला छुपा के 420 का बेईमानी का चालबाजी का धंधा तो हम नहीं करता। बेईमान ये खुले अपनी औरत को सजा के हमारे पास लाया ताकि हम इसकी चोरी की बात नहीं बोले, उसके ऊपर पर्दा डाल दे, लेकिन हम एक जूता लगा के दिया था, कोई याद है कि नहीं? झूठ बोलता है कि मैं चोरी की बेईमानी का मुकदमा है तेरा बाबू। अरे ओके फांसी लगाना है तो सीधा लटकाए दो, हुआ सगीना के नाम दे दो तो चश्मा वाली छिनार का भी कचहरी में लेकर आओ, जो चिपकी रहती थी ओके साल रात दिन। अरे ओ मेन साहेब, हुआ बैठी का तमाशा देखा था तरी ही आओ सामने। I can make you shut your mouth right now. हाँ हाँ मैंने सगीना के साथ काम किया, जरूर मैं उसके साथ रही, लेकिन लेकिन वो अपने लिए नहीं, तुम सब लोगों की भलाई के लिए। क्यों? क्योंकि ये मेरा कर्तव्य था, क्योंकि मैं चाहती थी कि सगीना मजदूर बिरादरी का एक शक्तिवान नेता बने। अरे जाजा बढ़िया ही नेता बनाने वाली, पहले अपने पेट से बच्चा पैदा कर फिर ओके नेता बनाना। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इन तमाम बातों का इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं, हम लोग महज एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। तुम बोलो तुम सच्चे आदमी हो, तुम मेरे भाई की तरह हो, मुझे विश्वास है जो बोलोगे तुम सच बोलोगे। बताओ इन लोगों को मेरा कोई दोष है? अगर तुम्हारा कोई कसूर नहीं सगीना तो तुम्हारी सारी बिरादरी यहाँ चुपचाप क्यों बैठी है? ये मुकदमा क्यों चल रहा है? कुछ तो होगा। तुम ही हम पर दोष लगाते हो बाबू? करीब हम तो तुम पे विश्वास किए हैं बाबू, हम समझे बाबू हमारे छोटे भाई की तरह है। ठीक है बाबू, आप लगाओ दोष, हम बैठे हैं सब लोग मिलके लगाओ दोष। सगीना ये संगठन मेरा आदर्श है, जो भी संगठन से विरोध करेगा वो सजा का हकदार होगा, उसे सजा मिलेगी। ये तुम नहीं बोल रहे, कोई और बोल रहा है बाबू, और मैं जानता हूं कौन है। दोस्तों मैंने और सगीना ने न जाने सुख दुख के कितने ही दिन साथ बिताए, दो दोस्तों की तरह, दो भाइयों की तरह। एक दिन हमारे संगठन के नेता श्री अनुपम दत्त ने कहा, आज मैं आप लोगों के सामने कैसे साधारण मजदूर की बात करना चाहता हूं जिसकी छाती में एक शेर का दिल है, जो गरीब है लेकिन जिसकी ललकार से वो पार कांप उठते हैं जिनकी वादियों में वो रहता है। उस मजदूर का नाम है सगीना मातो। सगीना 2 रुपए रोज का मजदूर है, मगर वो करोड़ों की लागत से बनी हुई विदेशी कंपनी जिसमें वो काम करता है उसके नाम से डरती है, इसीलिए सगीना जैसे लोगों की हमारे संगठन में सरसंगत है। इसलिए मैं तजवीज करता हूं कि हमारे नए साथी अमल बनर्जी वहां जाएं और सगीना को हमारे संगठन में शामिल करने की कोशिश करें। सगीना के मुताबिक ये भी मशहूर है कि उसको शराब की लत और लफंगेपन की आदत है।
लफंगे वो विदेशी कैपिटलिस्ट हैं नरेंद्र बाबू, जो सदियों से गरीब मजदूर जनता का खून पीते आए हैं। सकीना को अगर शराब की लत है तो उसके लिए हम उसे धिक्कार गलत नहीं कर सकते। ठीक है, शराबी को भी हम अपनी छाती से लगा लेंगे जरूर, लेकिन उसके बाद हमारी जंग का अंजाम का क्या होगा? अगर इस जंग में कामयाबी हमारे नियम है नरेंद्र बाबू, तो हमें इस देश की हर सगीना को अपने साथ मिलाना होगा। ये लड़ाई गरीब मजदूर जनता की लड़ाई है, ये लड़ाई सगीना मातों की लड़ाई है। तुम्हें मालूम है वो कहाँ रहते हैं? हाँ, याद रख इसका नतीजा देख लो। एक रोज अब तेरे बहुत ताकत है, जाके वो कंपनी वाले का दिखाना, वो लोग तो साला जूता लात से बात कम नहीं करते हैं। बाप के सामने तो कैसा गिग्गी बन जाते करते सारा, यहाँ आ गया छोकरी पे जोर आ जाए। साहब, हम लोग कुत्ता बिल्ली की तरह आपस में लड़ता है, देख के तुमको हंसी आता है ना? सगीना माँ तो तुम्हारा नाम है ना? क्या भाई, मैं कलकत्ते से आ रहा हूँ, मजदूर संघ के नेता दत्त जी ने भेजा है। हाँ दत्त बाबू, क्या हाल है दत्त बाबू का? अच्छे हैं, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हमारे पास क्यों भेज दिया? हम तो साला फालतू बेकार आदमी है, हमारे पास क्यों भेजा? तुम बहुत शक्तिवान हो सगीना, तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। अरे सगीना का साला भगवान है, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो साला कंडम फालतू आदमी, दारूबाज बेकार का फालतू मजाक नहीं करना हमारे साथ। ये मजाक नहीं है सगीना, तुम्हें अपने ताकत का अंदाज नहीं। ठीक है ठीक है, चलो अपन उधर होटल में जाएगा, चाय पिएगा, बात करेगा। चलो, लेकिन एक बात तुमको पहले से बोल देगा बाबू साहब। बोलो। देखो सगीना के साथ सब सीधा सीधा काम चलना चाहिए, कुछ भी सारा गोलमाल नहीं तो उल्टा पुल्टा हुआ तो ठीक नहीं होगा। मतलब चलो चलो चलो। अरे मुसीबत, चुनिमा
तुझे चाय दे गरम। बैठो बाबू साहब। आप बैठिए। आप बैठो ना। क्या खबर, क्या हाल चाल कलकत्ते का? खास ठीक नहीं। कलकत्ते में बड़ी बड़ी विलायती कंपनी का मुकाबला करने के लिए ताश और समय की जरूरत है सगीना। उनके पास सब कुछ है सगीना, हमारे पास कुछ नहीं। यही तो सारा हमारा ताकत है। कैसा? क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है? देखो उधर लड़ेंगे तो दो बात में होगा, एक बात तो जीत जाएंगे और मैं तो हार गए। अभी जीत जाएंगे तो साला फर्स्ट क्लास की फिक्र की बात नहीं, और साला हार जाएंगे तो हम मजदूर लोग का बाप दादा है वो ऐसा कौन सा राजपाट हमारे वास्ते छोड़ के गया, कुछ अलग जायदाद मकान मोटर छोड़ के गया जो हमारे हाथ में से घुस जाएगा। ये चूहे की तरह घुस घुस फूस फूस करने का कोई फायदा नहीं है, लड़ने का तो सारा मर्द की तरह, हाँ मर्द की तरह मारो पीटो चाका बंद करो। अरे बाबू साहेब, ओ बाबू साहेब, एक ही बात में मान, ये तो लंबरी बंडल बाश है वहाँ, मार पीट छोड़ो कुछ आता ही नहीं इसको। हाँ ससुरे, अगर मार पीट न करता तो जंग बहादुर तो हड्डी पसली बराबर न कर देता। इधर मैं मीटिंग चला, मीटिंग पॉलिटिक पॉलिटिक ना, औरत लोग का कोई झंझट नहीं है, कोई बात नहीं, चल जा भाग अपने घर जा। ना बाबा, अब हम अपने घर नहीं जाएंगे। हम तो तोरे घर जाएंगे। क्या बेशरम छोकरी है, कैसे बात करती है? अरे मेरे घर में का तेरे बाल बच्चे घरे रखे हैं आ? अरे पहले ब्याह होगा तब ना बाल बच्चे होंगे बेवकूफ, ना ऊपर से गिर पड़ेंगे। इसका लंबा कद हो गया, बाकी अकल प्रतिभा नहीं। अरे कैसे मीटिंग करते हो बाबू साहेब, कोई फायदा नहीं। इधर में मीटिंग वीटिंग नहीं हो सकेगा बाबू साहेब, चलो उधर बाहर का पुल है, हम लोग उस पर बैठ के मीटिंग करेंगे। हाँ जाओ। हाँ कभी दिन बात कर। ए सगीना, जाता है तो जा, बाकी जल्दी लौट आना। अद्भुत है, ठीक है लेकिन एकदम फ्रैंक। सगीना इधर कोई टेलीफोन है? क्यों बाबू साहब, कोई छोकरी के साथ बात करना है? नहीं सगीना, वो तो हमारे संघ के अनिल विश्वास, उनसे बात करनी है। विश्वास बाबू? हाँ। अरे तो चलो चलो बाबू, अब उन जाके उधर सामने में ऑफिस है, उधर से फोन कर देंगे। ठीक है बाबू, चलो। सगीना हुजूर, सगीना छोकरी को उठा के लगा। And what the hell were you all doing? तुम लोग क्या करता था? हम ही की करबो, अभी उसका ताकत बहुत बढ़ गया हुजूर। वो कलकत्ता से पार्टी का बाबू आया, वो सारे मजदूरों को लेकर यूनियन बनाएगा। सगीना उसका मदद कुछ है। Someday I'm going to shoot him like a dog. All right, you watch him and let me know the developments. सलाम अंजनी साहब। What do you want? क्या मांगता? मांगता तो कुछ नहीं, खाली सलाम किया। Don't disturb me, I have no time. टाइम हमारे पास भी नहीं है साहब, बहुत काम उधर पड़ा है। खाली ये बाबू आया कलकत्ते से, थोड़ा आपके उधर से टेलीफोन करे। No, never. Don't tell me. बेटा बिल्कुल गुंडा है, इसे पक्का गुंडा। Hey, गंगुली। Shut up. ये भय साहब, रात को घर से निकालना मुश्किल है। गुंडा बदमाश। Hey, तुम कौन है? लॉर्ड ऑकलैंड को लेके घूमता है? मैं यहाँ के मजदूरों के साथ काम करने आया हूँ। सेल्वेशन आर्मी का कमांडर है साहब, जरा टेलीफोन करेगा। ए, टेलीफोन तेरा बाप का है? तेरे बाप का? सी साहब, हाउ डेंजरस मैन, और बैक थप्पड़ बोल देगा वो रात वाला बात। गंगोली बाबू ई रात वाला वो मोगू भाई वाला।
वो मोरू भाई वो रात को झोपड़े में तुम्हारा धोती खोल दिया और तुम भागा उधर। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल। जंगल में फंस गया था, सारा रात एक साथ था, सो भी गया, बट नथिंग अब कुछ भी नहीं होती। तुम साहब मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, नो टेलीफोन, गेट आउट। स्टॉप दैट टेलीफोन। सगीना, यू कांट टेलीफोन फ्रॉम हियर, गेट आउट, गेट आउट। अरे साला, सबका दिमाग गरम है तो हमारा दिमाग भी गरम हो सकता है साहब। दो मिनट में ठीक करेगा सब कुछ। अरे अरे सब चोरी कर लेके यहाँ आ जाओ फौरन। हुआ कुछ नहीं, अभी होगा। एक साहब का और एक साला बाबू के आज रात का तेल मालिश करने को आएगा। फोन कितने आवाज सर, टेलीफोन होगा सर। अलव हिम सर, अनिल दा मैनाबाड़ी 38, मैनाबाड़ी 38, अनिल विश्वास। हाँ हाँ अनिल दा, हाँ जी मैं पहुंच गया। हाँ हाँ सगीना साथी है, हाँ दे रहा हूँ। इधर लो, इधर लो, हम बात करेंगे। अनिल दा नमस्कार, अब फर्स्ट क्लास है ये, आ गया तुम्हारा कलकत्ते से कबूतर, इधर बाजू में खड़ा है। हाँ अच्छा, ए तुम लोग जाओ, काम हो गया। हाँ अनिल दा, अरे तेल लेने गया मैनेजर, उसको बोल दो लाइन के ऊपर आ जाओ, नहीं तो उसको भी फलित लगा देंगे। नहीं वो छोकरी तो भाग गई। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, खाली उस दिन पी के दो चार लगा दिया तो निकल गए हाथ में से। हाँ पर एक दूसरी चिड़िया आया है, फर्स्ट क्लास है। नहीं ये छोकरी अच्छी है। अरे नहीं 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 अच्छी है। हाँ अरे यही तो जीवन। हाँ अनिल दा यही तो जीवन। What do you think I am, a fool? You think I can't see what's going on here? You think I'm blind? I know perfectly well there's a chap come up from Calcutta, the former union. If you don't destroy them right away, there's going to be trouble, sir. Leave this to me, Smith. Administration's my job. You just keep out of it. I don't like to apply force. This is going to take tact and a bit of brains. कटिया तो सस्ते में मिल गई पर पेटी बर्तन में सब पैसा मार लिया था। अरे कौन हो रहे तुम लोग, किधर जा रहे हो? अरे हम हैं उस्ताद, हम हैं। तुम ही तो किधर जा रहे थे। तुम लोग सारा ये खटिया बटिया ये पेटी में सारा तो बर्तन वर्तन लेके घूम कर रहे हैं। अरे नाम की बदनामी हो रही है उस्ताद, रोज रोज छोकरी से साला इधर मिल उधर मिल, इसीलिए बोरी बिस्तर लेकर हम तुम्हारे पास चले हैं। अब दिन तारीख ठीक करके हमारा मामला बरोबर कर दो। हाँ ये बेशरम, शादी की बात करने आया क्या? अरे लक्ष्मी तुझे सारे बटके से शादी करेगी। ये भी तो बटकी है उस्ताद, और फिर जवानी नाक में दम किए है। मन कर बेहया, गुरु से तूने बात किया कुछ कहने? मुझे पालकर तुम्ही नहीं तो बड़ा किया दादा, एक लपड़ दे उठा के। चलो कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी ठीक है ठीक है। इस मामले का तो एकदम कोई जल्दी ही सेटल करना पड़ेगा, वरना सारा मरक जात का तो कौन भरोसा नहीं है। अब हट मेरे रास्ते से, चल निकल। बेटी ब्याह के बाद जब बाप घर छोड़ कर जाती है तो बाप को बहुत मीठा दुख होता है। ला ला ला, जरा दुख करवा कर लूंगा। मैं सब तक रोता रहूंगा, सगीना को बुलाओ, वो भी रोया। नहीं सगीना, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जाओ।
सोजा तुम सोजा बाबू साहब, हम और ये छोकरी है ना, ये हम दोनों भी इधर में तुम्हारे पास में सो जाएंगे। ये ललिता इधर, ये कैसे हो सकता है? हम लोग का तो दोस्ती है, दोस्त लोग तो जो भी करेंगे एक दूसरे के सामने करेंगे। हाँ, वो तो ठीक है। सगीना, मैं बाहर जा रहा हूँ। ए बाबू साहब, तुम सारा हमार फ्रेंड है, हमारा गेस्ट है, तुम्हारे को इधर में हमारा बाजू में सोना होगा, समझा? अभी तुम्हारा ये टांग लंबा कर दो। अरे टांग लंबा करो ना। करो। सुन तो नहीं। बहुत टांग लंबा कर। बंद कर तेरा। बंद। ओए, तुम भी स्लिप सर। अरे पहले तू स्लिप। ये बाबू साहब है ना गुस्से में आएगा तेरे पे। बूम। सो जाओ। सगीना, तुम मुझे कभी कभी उलझन में डाल देते हो। हम साला क्या क्या? कितना खुला दिल है तुम्हारा, कैसे खुल मिल जाते हो तुम सब में। तुम्हारे प्यार में फीनी फीनी महक है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। सगीना, हम सबको तुम्हारी बड़ी जरूरत है। अरे हमारी क्या जरूरत है? एक दूसरे की जरूरत हम सबको है सगीना, क्योंकि एक स्वार्थी दल सारी दुनिया के मजदूरों का खून चूस रहा है, जुल्म ढा रहा है। इस जुल्म के विरोध में सबसे पहले खड़ा हुआ था फ्रांस का इंसान। बास्टिल के फौलादी दरवाजे को तोड़कर उसने राजतंत्र की ईंट से ईंट बजा दी। उसके बाद ही आई सोवियत रूस की क्रांति।
दिन में तारे गिन। तोरा डोला कैसे दीवाने पे मन तोरा डोला रोग बिकट है प्रेम का पगली तड़पेगी इस दिन चाहे जवानी सही न जाए रसिया तोरे बिन तुम रे संग तो रे बिताई कहाँ बिताऊं हसी जय हो बहन मोरा कंगना फिर भी मटकते फिर भी तोरी अंगना गोरी फसी जय हो बहन मोरा कंगना फिर भी मटकते फिर भी तोरी अंगना काहे मेरे संग चाहे कांटो पे चलना क्या हुआ आज फैक्ट्री नहीं गए देखिए ना बाबू एक दिन काम पर जाएगा तो दो दिन नागा अरे चुप शादी मैंने की है तेरा भार भी मुझ पर समझी बाबूजी उस्ताद मजदूरों को खबर देने बोला है आपके मीटिंग के लिए इसीलिए तो निकला हूँ उस्ताद हाँ हम सब का उस्ताद सगीना मातो पम पम दोस्तों हम सभी शक्तिशाली हैं मगर हमारा दुश्मन हमसे ज्यादा ताकतवर है उनके पास है हथियार और वो हथियार है उनके दौलत जो हमारे पास नहीं है मगर सच पूछो तो वो है कायर डरपोक बुजदिल और अंदर हमसे ज्यादा कमजोर ए बाबू साहब ये कैसी बातें करते हो कि हम कमजोर भी हैं और ताकतवर भी हाँ कभी ये कभी वो क्या मतलब है बाबू साहब ए साला पहले बात तो सुनो बीच में काहे इंटरफेयर करे थे अरे बाबा कुछ समझ भी तो आए तुम बोलो बाबू साहब बोलो हाँ अच्छा ठहर हम ये लोग का बोलो ऊपर समझाएंगे आज हम बोलेंगे बाबू क्यों नहीं हाँ जरूर खामोश देखो साथियों वो अपना कलकत्ता में वो है दत्ता बाबू है ना वो है बाबू साहब को इधर भेजा पहले तो हम इसका एक दाढ़ी मिली देख के हम समझा कि कंपनी का कोई टिकटिकी है तब हमको उल्लू बनाने को आया कुछ गोलमाल करने को तो हम क्या क्या रात को लगा दिया एकदम पूरा खलास कर देंगे लेकिन वही टाइम में हमको पता चल गया यही तो साला शरीफ आदमी है गुड मैन है हाँ? तो आप कम खड़ा इधर आप तकलीफ का होगा साहब बैठो हम बात करेंगे हम जाता हो बराबर क्या अभी ये दाढ़ी वाला बाबू क्या बोलता है कि जौन हम मजदूर लोग सब मिल के एक हो जाएंगे तो हमारा ताकत बढ़ जाएगा और जब हमारा ताकत बढ़ जाएगा तो इस साला इतना बड़ा अंग्रेजी कंपनी ये हमसे डरेगा हाँ कि ना और जो कंपनी हमसे डरेगा तो हमारे ऊपर जुलूम नहीं कर सकेगा हमारी बहू बेटी की इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकेगा हम पूछा तुमका यही साला तुम लोगों में खराबी है बात सुना ना सुना हाँ पहले से ही यही खातिर हम सब लोगों का एक होना पड़ेगा और एक हो के स
साला ये बाबू साहब का पार्टी में हम भर्ती हो जाएंगे। पार्टी ना देना होगा इंस्पेक्टर साहब। सगीना, कंपनी ने बादल के नाम डायरी दर्ज कराई है। स्मिथ साहब को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, उनकी हालत खराब। बेगैरत निकला, साला अभी तक जिंदा है। अगर मर गया तो दफा 302 लग जाएगी। लगा दो 302 402। अगर उधर बच गया साला तो साहब इधर खत्म होगा। कानूनन मैंने इसे गिरफ्तार किया है। सगीना सामने से हट जाओ, जो कहना कचहरी में कहना। बेआईनी काम मत करो सगीना, कानून को तोड़कर इस जुर्म का बदला तुम नहीं ले सकोगे। इस अत्याचार का मुकाबला करना है, इसे हटाना है, इस वक्त तुम खुद हट जाएंगे रास्ते से। और सब लोग मिलकर तैयारी करो सगीना, तैयारी करो आखिरी जंग की जो तुम्हारे सामने है। ले जाओ इसको सर। आज से कौन साला एक कंपनी के काम पे नहीं जाएगा, और जो जाएगा तो हम उस साले की खोपड़ी खोल देंगे। काम बंद, पागलपन मत करो सगीना, काम इस तरह बंद नहीं हो सकता है। हड़ताल करनी है तो पहले कंपनी को मुनासिब नोटिस देना होगा, ये गैर कानूनी बात है। अरे रहने दो तुम्हारा कानून बाबू, रहने दो। तुम साला पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन बेवकूफ, एक साला जानवर हमारी बच्ची के आबरू पे हाथ डाला, हम उस साले की ठुकाई किया, हम उसकी मरम्मत किया। तुम्हारे पास ताकत है, तुम सारा हमारा आदमी गिरफ्तार कर लिया, कर लो, कर लो। तुम अभी एक गरीब आदमी का दम देखो, तुम देखो। Discuss the problem. Let us discuss it across the table. Tum kaam bang kiya un kiya. This may just be tum log nuksan hai. Kaam karo and your demands will be met. Hospital mein Smith saab abhi better hai. So the police case against Bubble will be withdrawn. Toh khatam ho jayega. And Bubble Kabibi, per jo zulum hua, the company is prepared to compensate with 100 rupees. गरीब का बहु बेटी की इज्जत का दाम खाली आप 100 रुपया लगाया करेंगे हम साहब। What more we can do? Smith will apologize. बात खत्म। नहीं एक बात है साहब। क्या बात है? एक छोटा सा बात है। Oh, come on, speak up. वो स्मिथ साहब का गुरु बड़ा मेम साहब है करेंगे हम साहब।
अगर हमारा बादल एक रात में उसके साथ बिस्तर के अंदर सो जाएगा तो God, this is preposterous. तुम जन्म का माफिक बात कर रहा है सगीना. हम तो खाली जानवर का माफिक बातें करता है ना साहब. आप लोग तो जानवर का माफिक काम करता. कनिंगम साहब, अगर आप हमारा इज्जत लेगा तो आपको अपना इज्जत भी देना होगा. सगीना महतो, यहाँ का सारा मजदूर इस आदमी के पसीने पर खून बहाने को तैयार है. ये बाबू साहब ऐसे हमारा मान बढ़ा रहे हैं साहेब. हम अपने सब में आपका स्वागत करते हैं. वी वेलकम यू मिस्टर महतो. अरे आप हमको मिस्टर मिस्टर काहे को बोलते हैं बाबू साहब. हम तो मामूली मजदूर लोग हैं. खाली इतना बात हो गया कि वो कंपनी के साथ मामला अड़ गया, इज्जत की बात आ गई, उसमें हम लोग फंस गए, भिड़ गए. उसी इज्जत के खातिर तो हम आपके पास इतनी दूर से आए हैं महतो जी. आप हमको महतो जी नहीं बोलना मेरे साहब, नहीं तो हम तो शर्म से डूब जाएंगे. अरे वो बदमाश किधर गया है? ए गुरुंग, ए गुरुंग, ए क्या रे, चाय पानी तैयार है क्या? अरे सब बड़ा बड़ा ठंडा हो रहा है. मीटिंग बुलानी होगी सगीना. दो एक घंटे के अंदर यहाँ के फैक्ट्री के सारे मजदूरों को इकट्ठा कर पाओगे तो? अरे दो एक घंटा क्या बाबू साहब, हम दो मिनट में सब लोगों को हाजिर कर देंगे. मगर आपसे बात पूछे, ये मीम साहब क्या करेंगे? हम भी तुम्हारे साथ मिलकर लड़ेंगे सगीना. अन्याय और अत्याचार का मुकाबला करेंगे. मगर आप औरत जात है मीम साहब. हाँ औरत जात, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, तब तो और भी फर्स्ट क्लास बात है. अरे ऐसा खूबसूरत छोकरी लोग भी हमारे साथ मिलकर लड़ेगी तो हम भूख से गोल मार रहेंगे. अच्छा अब हम जाएंगे, वो मीटिंग का बंदोबस्त कर लें. All right, I will sign this agreement. You got to do something about Sagina. He's a pucker gunda. Sagina gunda है, Sagina बदमाश है, मूर्ख है, मगर अपने जनता का हीरो है. But everything must be done in a civilized manner. He's so adamant and rude. कसूर आपका है. क्या किया है आपने उन गरीबों के लिए? जस्ट नथिंग, सिर्फ राज किया है, राज. लेकिन वो एक्सप्लॉयटेशन सैलरी में ही चल सकता है मिस्टर कनिंगम. नॉनसेंस, वी डूइंग आवर बेस्ट. बट योर डैम सगीना, सगीना जैसे बदमाशों को कैसे ठीक किया जाता है वो मैं जानता हूँ. वैसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता, पर मुझे आपसे भी कोई मोहब्बत नहीं है. आई एम नॉट विथ यू आइदर. नो मिस्टर कनिंगम, नो. कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो गया, हमारी सारी बातें मान ली गई. Bravo, excellent. मगर आप कब गए? कुछ कहा नहीं. मेरे पास समय नहीं था अमल. Besides, I strike the iron when it's hot. चलिए एक मीटिंग बुलाओ. I have a very big surprise for all of you. अमल, ये जंग बहादुर, राम बहादुर, ये कैसे लोग हैं? एकदम लुच्चे, कंपनी के दलाल. तो फिर इनकी सगीना से नहीं बनती होगी. इन सबों के लिए सगीना काफी है. दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि कंपनी ने हमारी तमाम मांगे स्वीकार कर ली है. बादल का मुकदमा कंपनी ने वापस ले लिया. अस्मित का यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया. और अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे. हिंदुस्तान के मजदूरों के इतिहास में आज का दिन सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा. कंपनी ने मजदूरों की हर तकलीफ और उनके सुख दुख का ख्याल रखने के लिए एक नया ऑफिसर की जगह निकाली है. लेकिन वो ऑफिसर कोई विदेशी आदमी नहीं होगा. आप सब मजदूर खुद ही अपनी बिरादरी से उस वेलफेयर ऑफिसर का चुनाव करेंगे. जवान संभाल के बात कर हमको फंसाना चाहता है क्या? मैं नहीं फंसूंगा. जय राम जी की साहब. ए गुरु, अरे तगड़े साहब, ए गुरु. देखो
कहता है डैम फूल लोग दुकानों का अफसर बनाए का है, दुकानों को पोजीशन दे का है, तो कौन मस्तक वाले कहते हो अमल किस सोच में डूबे हुए हो? मैं ये सोच रहा था सगीना को वेलफेयर ऑफिसर बनाना क्या जरूरी था? भाई तुमने जो खुद कहा था कि वो यहाँ की जनता का लीडर है, लोग इसके पसीने पर खून बहाने के लिए तैयार है, इसीलिए तो मैंने उसका नाम तजवीज किया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अनुदा सगीना एक अनपढ़ आदमी है, इस जिम्मेदारी को निभाना उसके बस की बात नहीं है। तुम तो अभी से अपने लीडर के मुखालिफ हो गए हो अमल। नो दिस इज नॉट राइट। अरे सगीना क्या ठाट है विशाखा, देखो अगर हम अपने सगीना महातो को कंपनी का जनरल मैनेजर बना दे तो कैसा रहे, कहो सगीना। इकट्ठा करते हो साहब, ये इस वाला तुमको घर है, रात भर हमको नींद नहीं आया, और ये कबाड़ मसाला हमारा तो दम घुटता ही है, ये देखो इसमें। अरे ये क्या गाड़ी ढीली कर दी, ला मैं ठीक कर दूं। सगीना एक सर्कुलर निकालनी होगी। क्या? यही कि सारे मजदूर अपनी दुख दर्द अपनी हर शिकायत तुम्हारे पास ले आए, इसी की सर्कुलर भेजनी है, वो मैंने याद कर दिया है, तुम सिर्फ दस्तखत कर देना बस। हम अंगूठा मार देंगे। अंगूठा मारने से नहीं चलेगा सगीना। बेचारे को डराओ मत, घबरा नहीं सगीना, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। वो सीखेंगे पीछे बाद में, थोड़ा पहले बस्ती में चक्कर लगा के आएंगे। हाँ जरूर तो? जरूर। बाय 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 बाय। उधर नहीं हो तो उधर है। सोचा है कि सारा सब बस्ती के लोगों को एक पार्टी देंगे, दावत, तो इसे करके सब सालन के जाके फौरन न्योता दिया। न्योता देवे जाए हमारा ठेंगा। अरे हमका कोई तोरी खिदमतगार है, न्योता देवे जाए भेजना अपनी चश्मा वाली को। खबरदार जो हमारी बहन साहब के बारे में एक बात भी फालतू किया था, मालूम है वो हमारे सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी प्राइवेट सेक्रेटरी है, पढ़ा लिखा छोकरी है, मस्तक वाला है, साला तेरी तरह बेवकूफ अनपढ़ घमार नहीं। तो जाना वही के पास जाके मार, यहाँ हमारे भेजा चाके कहे आ गया है पार्टी देगा, जरा हुलिया तो देखा। हुलिया हुलिया एकदम फर्स्ट क्लास है। ठीक है ठीक है,
लेकिन जो काम जैसा बोला है ना हम वही सही जाके निपटाना होगा। चल भाग। 24 घंटा माओ चश्मा वाली का मिजाज ही बदल दे, बाकी कान खोल के सुन ले। ललिता भी कोई ऐरी गहरी नहीं हाँ, वो डायन की खातिर पार्टी करे तू और बर्तन मांझे ललिता, इतना ही हो तो परखुदा। ससुरे बर्तन धोएगी तू बरोबर और खाना भी पकाएगी तू बरोबर, समझे, तभी ना जाके अपने घर में सोएगी। अब चल सीधी तरह जो बोला सो कर किया जा। मैं ना जाने की, कोई जबरदस्ती है का? चल मैं कौन सुन जा? देख पहले तू। देख पहले तू। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। चल, जा। चल, जा। चल, जा। कोई नहीं। कहाँ जमाना? ओ, ए, अरे ओ, अरे इसमें इतना रोने की क्या बात है? साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तंग गया, ये सूट मेरा देखो ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया, ए साहब बन के कैसा तंग गया, ये सूट मेरा देखो ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। फकीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे, वाह फकीरे वाह फकीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे, कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे। अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा, लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा, क्या समझे तुम नीचा, मेरा वो सब जाहिल बन गया, इस साला मैं तो साहब बन गया। एक्शन। साला मैं तो साहब बन गया, इस साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, कैसा राजा भोज बना है मेरा गंगूटेली, क्या गंगूटेली, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हमसा ना बदलेगा, हमसा ना बदलेगा। सीना देखो कैसा तन गया, साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया, ये सूट मेरा देखो ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का, जैसे गोरा कोई लंदन। ए चुप। और ललिता किधर है? ललिता, ए ललिता, अभी ये घर हमारा घर है, ये घर तुम्हारा घर है, ये घर हमारा सब मजूर पार्टी का घर है। अरे ऐसे तो हजार अच्छी हम गरीबन की झोपड़िया है। ये तो साला मिस्टेक, वो इलेक्ट्री देखा, इलेक्ट्री वो देख, कट से दब बटन दबा और भग दो रसने ही रसने।
और साहब ने कमरे में ठंडा पानी का मसीनो पटक गुरु 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 कर रहे थे। अरे देख इधर सीलिंग का पर्दा देख, अरे नरम नरम बिस्तर देख, नरम नरम सुई जाए ना तो लप लप उठे सपना लप लप। तू ससुर अपनी झोपड़िया के लिए बैठी है। अरे वो साहेब साहब बोल दिया, वो बोल दिया कि ही तो मजदूर लोगन के तरक्की करे का जमाना है, फॉरवर्ड मार्च। तू अमृत जात सला खेचा मरद के पीछे ही क्या? उसका मतलब है कि हर मजदूर के पास, तेरे पास, गुरु के पास, ये सुलक्षणा के पास, रसीद के पास, सब मजूर लोग के पास इतना शानदार मकान आएगा। उसका मतलब है हम सब मजूर लोग के बच्चे के पास ऐसा अच्छा खाना आएगा। उसका मतलब है हमारे बच्चों के पढ़ने के वास्ते शानदार स्कूल बनेगा। और बीमारी के अंदर हमारा बच्चा माँ की गोद में दवाई के बगैर मर नहीं जाएगा, उसके लिए अस्पताल बनेगा। पर ये साला करेगा कौन वो बोलो? सकीना जवान देता है, जवान दिया सबको, सबके सामने अगर सकीना साला ऐसा काम नहीं करेगा पूरा तो हम तुम सब मिलके उसको फांसी लगाएंगे। हाँसी क्यों? इतने जोरों की जवाई ली, सारा ऑफिस काम क्या? तो क्या करेंगे, ये कुर्सी पे तो बैठे बैठे हमको नींद ही आते। तो जाओ ना जरा बाहर घूम के आओ, नींद भाग जाएगी। नहीं करना मीन साहब, माफ कर देना। आजम चला लिया एकदम। अच्छा तुम तो बैठे, कितने सुंदर सुंदर हाथ है, मुलायम गोल गोल उंगली, प्यारी प्यारी। ललिता से भी? अरे ललिता तुम्हारे से नरम हाथ कहाँ से पाएगी, वो तो मजदूर की छोकरी है, उसकी माँ भी मजदूर थी, उसका बाप भी मजदूर था, वो भी मजदूरी करती है, रोज कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, झाड़ू देती है, फिर बाहर जाके सड़क के ऊपर पत्थर भी तोड़ती है, वो तुम्हारे ऐसे नरम हाथ कहाँ से पाएगी। लेकिन हम तुमसे एक बात पूछे, आप बुरा नहीं मानना, आप इतना लिखा पढ़ा छोकरी है मेम साहब, लेकिन आप उधर दिन भर बैठ के ना वो टेपरेटर पे कुटकुट 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 कागज काला करता है, उसका फायदा क्या? तुम्हें ये सब पसंद नहीं? बिल्कुल पसंद नहीं। रोज मैम सब तुम कंपनी को चिट्ठी लिखता है, कंपनी तुमको चिट्ठी लिखता है, तुम फिर कंपनी को चिट्ठी लिखता है। लेकिन उधर गोमेज का काम करते करते हाथ कट गया, चारों उंगली गया उसका, उसके पास खाने को नहीं, कंपनी तो उसको एक पैसा भी नहीं दिया। आपको मालूम गोमेज क्या बोलता? क्या गोमेज बोलता है? सगीना सारा साहेब बन गया है, मजदूर लोग के लिए लड़ने को तैयार नहीं है, ऐसा बोलता वो। तो कहो तुम क्या करना चाहते हो? हम, अगर हम होता था ना मेम साहब तो दो दिन में मार पीट करके सब बराबर कर देता था एकदम लेवल के अंदर।
मारपीट दंगे से ही क्या सब कुछ ठीक हो सकती है सगीना? मेम साहब, आप लिखा पढ़ा लोग है, आपका जिंदगी एक दूसरे टाइप का है। बांधा हुआ व्यापक रास्ता सीधा रेलगाड़ी की तरह चुप 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 करके चला, लेकिन हमारा गरीब लोग का जिंदगी वो दूसरा है। बचपन से ही सीखा कि लड़ने को होगा, लड़ते ही रहना होगा, या तो हम मिट जाएंगे तो हमारा दुश्मन मिट जाएगा, इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। विशाखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है जानती हूं सर? चाय के बगीचा। बगीचा में हमारे माँ बाप मजदूरी करते हैं, मामूली कुली का काम। एक दिन हम तड़के उठ के क्या देखा मैम साहब, कि पुलिस आई और साला हमारे बाप को पकड़ के ले गई। उसके बाद हमारी माँ भी हमको छोड़ के जाने काम भाग गई। माँ साला अपने बच्चे को छोड़ के भाग गई। हम उस वक्त छोटे थे, अकेले जो पड़े ना तो रोना शुरू कर दिया, खूब रोए खूब रोए खूब रोए। और उसके बाद जो लगी पेट में भूख, मानो हजार मुंड कोयले की अंगार जला दिया वो अंदर। जब उनको चला जानवर था जो घुस गया पेट के अंदर, काट रहा है दांत से पंजों से, नोच रहा कुरेद रहा हथनिया, हमारी हालत बहुत खराब हो गई। फिर रात में हम क्या देखा कि वहां एक कुत्ता आके मांस का एक टुकड़ा खा रहा, चिपने 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 खा रहा। हमने क्या किया मेम साहब, एक पत्थर उठाया और धीरे से जाके उसके पास ना एक दिया सारे को, और कुत्ता जब भागा तो हम भी भागे उसके पीछे, भागते 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 उसका एक लात दिया और वो मांस का टुकड़ा उससे नोच लिया। हम उस दिन से वो बच्चा पीटना सीखा मेम साहब, मानो सारी के लिए आकाश में कोई लिख दिया होए कि सगीना बेटा जॉन जिंदा रहने का है तो मारना सीख, तो पीटना सीख। हम दोनों की जिंदगी की एक ही कहानी है सगीना, फर्क सिर्फ इतना ही है कि मेरे पिता एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और तुम्हारे पिता की चाय बगान के गरीब कुली। माँ बाप का प्यार तो मुझे भी नहीं मिला, माँ को पार्टियों से फुर्सत नहीं थी और पिताजी को पैसा बनाने से। असल में हमारा समाज ही ऐसा है जिसमें इंसानियत नहीं, जिंदगी नहीं, सिर्फ खुदगर्जी और पेशानी। इसलिए तो मैं भाग कर चली आई तुम्हारे पास। अब समझ गया। क्या समझा? हाँ, वो क्यों छोड़ दिया सब समझ गया। क्या छोड़ा? लिपस्टिक की लाली, आंखों की काली। कलकत्ता जाने के लिए तैयार हो जाओ। कलकत्ता का है तू बाबा? वहां हड़ताल शुरू हो गया, मजदूर भाइयों के साथ कंधे से कंधा लगाकर मैं लड़ना है। पर वो कलकत्ते का मुसीबत अपने को काहे को, इधर कुछ कम मुसीबत है। सही रहा, ये संघ का हुक्म है। ना 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 ना, ओ हुक्म हुक्म नहीं चलेगा ना। सगीना से काम लेने को आएगा बाबू साहब तो आप कुछ सगीना को फरमाइश करो, कुछ उसको रिक्वेस्ट करो। सगीना, मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूं, एक बात है, ये कुछ बात है ना, अपने को कोई रिक्वेस्ट करेगा मेम साहब तो अपन उसको बोलेंगे कि भाई तुम्हारे लिए तो हमारा जान भी हाजिर है। कौन है? अरे सुनो, वो बोलता है पार्टी जा चाहे कलकत्ते को, हम बोला कलकत्ते में ग्राम है ललिता। अरे ये तो पॉलिटिक है, पॉलिटिक। गुड नाइट। Good night!
है मैंने कहा ये छुरी किसने दिखा रही है? एक चश्मा वाली शहर से हमारी सौतन बने का आई है कन्ना काटे का लाई हूँ छुरा। ये देखो ये क्या बदतमीजी है, वैश्यों की तरह हरकतें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? हटो मेरे रास्ते से। अरे ललिता को रास्ते से हटाने वाली आज तक पैदा ही नहीं हुई। ये क्या करतब दिखा रही तू? बकवास बंद कर पाखंडी गद्दार बेईमान। चुकरी के हाथ की मार खा गया। जान ले रही हूँ तेरी सगीना और तेरी चश्मा बानी का खून भी पी गई हूँ। तुम लोग अभी ललिता का दूसरा रंग ना ही देखे। अरे वही दूसरा रंग देख के तो हम तोरे ऊपर हाथी खोल दे रानी। चल हाथ दे सरावली, पट्टा गले में डाल के दे दे ऊंचे नाल के हाथ और घूम पीछे पीछे बिल्लाई की कुत्ते की तरह। ए, तेरी बाहियात बकवास बंद कर। मालूम है हम उधर जा रहे हैं कलकत्ते, वहाँ सब मजदूर लोग मिलके महाभारत का युद्ध किया है। और तय हुआ अर्जुन के बाप बन के जा रहे हो? अरे जरूर जाएंगे साला, अब तो नहीं भी जाना होगा तो जरूर जाएंगे। जाता है तो जा, तो यही बस्ती में कोई नहीं रुकेगा। हम जा रहे थे तो हम सबसे बहुत दूर जाना चाहता है ना, जा। क्या समझता है तू हम सब तेरे बगैर जिंदा नहीं रहेंगे? हम सब रहेंगे सगीना, अगर सुख से नहीं तो हम दुख में रहेंगे, हंस के नहीं तो हम रो के रहेंगे सगीना, पर हम रहेंगे, हमारा भी भगवान है। हर एक बात याद रख, तेरा मौत के बाद हम नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे सगीना। तो जा मेरे जा यहाँ से जा। सगीना मार दो, जोरदार मीटिंग हो रही है, कभी भी हंगामा हो सकता है। आपके सामने मजदूर नेता वीर सगीना महतो खूब हाजिर है। वो लोग बाहर से एक लीडर भी लाए हैं, उसका नाम है सगीना महतो। हमारी प्यारी बेटी विशाखा भी उनके साथ होगी? यस सर। कितने अफसोस की बात है, हमारी बेटी को सोशलिज्म अपने बाप से ज्यादा प्यारा है। और आपके साथ है विशाखा देवी, आपकी फैक्ट्री मालिक की लड़की, बहुत लोगों की खातिर अपने पिता से लड़ाई किए जा रही है। मगर पार्टी वालों को शायद ये नहीं मालूम, हमारे रास्ते में जो भी कोई आएगा उसे हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा, चाहे वो हमारी बेटी ही क्यों ना हो। पुलिस तैयार है, जरा भी हंगामा हुआ वो एक्शन लेगी। इस एक महीने की हड़ताल की वजह से हमारे घर में खाने का कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके तो हम भी और भूखे नहीं रहेंगे। चलो, अरे नहीं, ये फैक्ट्री हमारे खून पर जीने से चलता है।
मजदूर संघ के पास जाओ। कहाँ है सगीना? बुलाओ उसको। साला अफसर बना, साहेब बना, और कलकत्ता में लीडर ही छटचे और हलवा पूरी खाचे। अरे खाने हमारे सबाई पेटे आगुन जलचे, और फिर यहाँ कदम रखा तो उसे आग में जला देंगे। खबरदार उस्ताद को गाली देना तो जान लेंगे। विलायती दारू शानदार घर एकदम और खूबसूरत चुकरी खाया मेरी ललिता। मैं विशाखा हूँ, विशाखा। तू हो विष्णु काशा ईश्वर। बहुत ज्यादा पी गए हो, होश में आओ। हम तो एकदम होश में आए। तुम्हारा खोपड़ी को क्या हो गया वो बताओ। क्या हो गया? कुछ तो क्या हो गया साला, इतना धन दौलत वाला आदमी का बेटी, सब ऐश है, आराम है, इतना बड़ा मकान है, कि तुम फालतू लोग के साथ हमारे जैसे आदमी के पीछे कार को घूमता है, और तुम्हारे बाप के साथ कंडक। ये उसूलों की जंग है सर, इसमें बाप बेटी का कोई सवाल नहीं। मेरे पिता एक कैपिटलिस्ट है, कट्टर कैपिटलिस्ट, मजदूरों का खून चूसना उनका नियम है, और मेरा नियम है अपने पुरखों के पाप का प्रायश्चित। No, I should not compromise. मैं प्लीज हफ्ते शुरू हो करेगी, अगर जरूरत है तमाम पुराने वर्कर्स निकाल दिए जाए और उनके एवज में नए वर्कर रखे जाए, लेकिन व्यक्ति का धर्म इस हफ्ते शुरू हो गया। राजू, सगीना महातो सर, गायाबारी लोको वर्कशॉप वेलफेयर ऑफिसर। गुड मॉर्निंग सर। सुना है तुम्हारा नाम, स्ट्राइक के लिए बाहर से भरे हुए एक क्रैक टट्टू हो तुम। साहब, हम आपका दारू पिया, हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे। वो अनिरुद्ध बाबू है ना, वो साला एकदम पॉलिटिक आदमी है, वो डेंजर आदमी है एकदम। उधर हम लोग को चाबी भर दिया, इधर आपका घंटी बजा दिया। ये आपका बेटी खड़ा है सामने, तो पूछो उधर बस्ती के अंदर पीछे, हमको मुसीबत कम नहीं, बहुत मुसीबत है। हाँ। और वो पब्लिक साला ऐसा है, उसका कुछ भरोसा भी नहीं था। How dare you bring this drunken devil in my house? एक मामूली मजदूर को सरमायादारी की शान दिखाने गए थे पिताजी। नहीं मैम साहब, ये फालतू बात करने का टाइम नहीं, काम का बात करेंगे साहब। देखो जैसे साहब आप ये छोकरी का बाप है ना, वैसा हम लोग का भी बाप है। अभी बाप बच्चा लोग सब मिल के बैठ जाएंगे, क्या झंझट है वो देख लेंगे, उसको मिटा देंगे, सेटल कर देंगे एकदम। हाँ सर, वो 700 आदमी है ना साहब, वो भी दाना पानी उनका लग जाएगा, उसके बच्चा लोग भी लोग वो सब आपको धुआ देगा साहब। हम गरीब आदमी भी टिकट कटा के अपनी बस्ती को जाएंगे। हाँ? अब पहला साहब एक मिनट में एक लगा लेंगे। पिताजी तुम मुझे कमी सिखाने आई हो क्या? Thank you.
আমাদের নেতা আগে অফিস। চপ্পল দেখা মেরে রাস্তা সালা ভুল করছিস সাকিনা, খেল কা তাকতা পাল্টে গেছে, হাওয়া বিলকুল বদল গিয়া। তুই তুই জিন্দাবাদ করতে বলে চেলা তো চিতা সাজা কর বেঠা হ্যায়, যাও যাকে দেখো। এ বাদল, क्या हुआ रे तेरे? ए ललिता, अरे क्या हुआ है तुझको? छोड़ दे मुझे, इधर आ। ए ललिता, ये वापिस करे से क्या मतलब है तेरा? ये दारू की धुन की मैं नहीं दे रहा, सोच के अपने मन से दे रहा है तुझको, तो नाता तोड़ना है ना, उठ उठ, तो नाता तोड़ना है ना। इले ये ना सके ना, ना ना सके ना, ना सके ना, कंपनी हम सब से चुन चुन के बदला लिए रहा। हाँ, किसी के पास काम नहीं सकीना, किसी के पास रोजगार नहीं, बच्चन के लिए घर में खाने को अनाज नहीं सकीना। आधी रात को किचन डालो हमका जबरदस्ती घर के लिए गए सकीना। तेरी चूड़ी की लाज रखे का हम अपने आपका चक्कू मार लिया। देख, मैं तेरे हाथ जोड़ दू, तू बस दिमन आ जा, हमारे सब लोग तेरे जान के दुश्मन है। लोग कहे थे सगीना अफसर बनकर मजूर के साथ धोखा किया, सगीना बेईमान, सगीना गद्दार। क्या बेईमानी किया? तुम कंपनी से भी गद्दारी किया सगीना। तुम्हारे लिए कोर्ट से ऑर्डर है कि 24 घंटे में ये बस्ती छोड़ के चले जाओ। 24 घंटे के अंदर इंस्पेक्टर, ये दुनिया साला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तुम रसंग तुट किया थोड़ा सगीना। हंसना मनता साहब, बराबर हंसना मनता है, क्योंकि बात ही ऐसा है, हंसने का बात है। कनिंगम साहब, तुम हमारे साथ मेरे एग्रीमेंट किया था, तुम बोला था कि हम साला ये गरीब के लिए ये करेगा वो करेगा, एक स्वर्ग बनाएगा इस धरती के ऊपर। ऐसा बोला था आपके बिना, ऐसा कुछ नहीं किया। हमारा उधर पीक खिला, तुम हमारा गरीब लोग के पेट में लात मार दिया, बहुत का बच्चों के पेट में लात मार दिया, काम छटाए किया। आपको मालूम है ये सब गरीब लोग क्या बोलता है सगीना को? बोलता है सगीना साला बेईमान है। सगीना बेईमान नहीं, निगम साहब आप आपका साला बेईमान है। सिट डाउन। There's no need to get excited.
It's high time he knew exactly what happened. Your Anuradha Babu made you welfare officer because he said Sagina Cove Achimakando, Achakanado, Achakaprado, bus. Sagina cut him. सगीना ने मीटिंग बुलाया, वो हमारा जनरल मैनेजर साहब आपकी चालबाजी धंधाबाजी सब कुछ बता दिया, आप तो साला पंचर कर देगा। सगीना चला जा यहाँ से, हमारा सगीना मर गया, हम उसकी मौत को रो लिए, अब लीडरों की तरह व्याख्यान देने से क्या फायदा, इस बस्ती के लोग तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे। हाँ सगीना, तूने हम सब के साथ विश्वासघात किया है, तू यहाँ से चले जा, तू बदल गया है सगीना, बिल्कुल बदल गया है। अनिरुद्ध खड़ा है तुम्हारे सामने सगीना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये बस्ती वाले तुम्हारी जान के दुश्मन हो गए हैं, लेकिन मैं नहीं बदला सगीना, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ, थाम ले ये हाथ। नहीं ना सगीना, मैं भी तुम्हारी तरह अकेला हूँ, पुलिस मेरे पीछे भी लगी हुई है, लेकिन इस जंग के मैदान में हम अपनी तन मन की बाजी लगा देंगे, कंपनी की हीट से हीट बजा देंगे, बारूद से उस फैक्ट्री को हम उड़ा देंगे सगीना। नहीं हरगिज ना, ये फैक्ट्री हमारी माँ है। उस माँ के दिल में तुम्हारे लिए कोई ममता नहीं है मूर्ख, आओ मेरे साथ आओ, इस लड़ाई में जीत हमारी होगी सगीना, सारा देश हमारी जय जयकार से गूंज उठेगा, चलो मेरे साथ। पाखंडी, मैं जानता हूँ तेरे दिल में हमारी वो के लिए कोई दया नहीं है।
दिल, तू जिंदा रहने के लायक नहीं। चला गोली बाबू, चला चला। मत समझ कि मेरे दिल में तेरे लिए कोई दया है। दरअसल तेरी किस्मत में एक सिपाही की नहीं, एक दलील कुत्ते की मौत लिखी है। मारो मारो हमको, अरे मारो मारो, अरे अपने दोस्त का क्या इनाम दिए हो? चंडाल लोग अपने दोस्त का क्या इनाम दिए हो? देखो इनका कौन अपराध है, इनका कौन अपराध है? सगीना आवाज ताकत फिर भेजे साहेब, कंपनी भी मदद कक्ष और मजदूर भी फिर से गले लगा ली। तो कौन सी करामत हो गई? क्या मैं उसे झुक झुक कर सलाम करूं और हाथ जोड़कर कहूं कि सरकार आप चलिए, आपके बिना यही इंकलाब नहीं आ रहा है? धन हमारी से उड़ा दे भाई फैक्ट्री को। मगर फैक्ट्री को उड़ा देना तो किसी सवाल का हल नहीं है अनुता। अमल, अब तुमसे भी पॉलिटिक्स सीखनी पड़ेगी। फैक्ट्री इसलिए उड़ा देना चाहता हूँ क्योंकि जब भूख की आग इनके पेट में लगेगी तो खुद क्रांति के मसाल लेकर ये हमारे पास आएंगे। हमारे दो दुश्मन हैं, फैक्ट्री और फैक्ट्री का दलाल सगीना। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ फूल हो गए होंगे। आज जब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं अमल, तो शायद आगे बढ़ना ही ठीक है। सगीना, आज रात के लिए डायनामाइट तैयार रखो। खबर मिली है अनिरुद्ध ने हमारे साथ जंग का ऐलान किया है। परसों वो दो एक चाय बागान पर हमला कर कुछ बंदूकें और डायनामाइट लूट कर ले गया। तुम सभी होशियार रहना, अनिरुद्ध अभी खूंखार जानवर की तरह जंगल में घूम रहा है। जहां तक हमारा ख्याल है वो उस फैक्ट्री को उड़ा देना चाहता है। इंस्पेक्टर साहब, खातिर जमा रखो, हम लोगों के होते हुए फैक्ट्री का कोई हाथ नहीं लगा सकता क्योंकि फैक्ट्री हमार माँ है, हमार बच्चन को रोजी देख है। एक दिन आएगा तभी अंग्रेज लोग चला जाएगा यहां से, तभी फैक्ट्री हमारी हुई है। हम लोग यही फैक्ट्री में मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, अपनी जिंदगी बनाएंगे साहब, अपने बच्चन की जिंदगी बनाएंगे। बस यही एक बात है हमारे सामने। रास्ते से हट जा। अपन जान पर खेल कर जो सगीना फैक्ट्री नहीं बचाता तो ये राक्षस तुमने बाल बच्चन का दाना पानी बंद करके सबका भोकन मार दिया होता। यही है गद्दार कि हम गरीबन की भलाई नहीं हमारी बर्बादी करके ही आ रहा है। ऐसा मुंह का ताकत हो डाल दो जंगल के गले में फांसी का फंदा। कि विदेशी कंपनी की अत्याचार को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर चुके थे हम, लेकिन कुछ दिन सगीना ने हमारे साथ गद्दारी की। चलते हुए डायनामाइट के तार को काट कर सगीना महातो ने हिंदुस्तान के करोड़ों मजदूरों को अपनी जंग के मैदान में 10 साल और पीछे धकेल दिया। इस अदालत में साबित हो चुका है कि सगीना महातो गद्दार है, वो विश्वासघाती है। विश्वासघाती हो तुम? अनिरुद्ध बाबू, तुम्हारे चेहरे पर से फरेब का आखिरी पर्दा आज हट गया। तुमने सगीना को खत्म करने के लिए उसे वेलफेयर ऑफिसर बनाया था,
तुमने उसके साथ धोखा किया है। एक संगठन को बनाने के लिए, उसकी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है विशाखा। What matters is the ultimate goal। हर कीमत पर हमको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। हाँ, उस मंजिल के लिए मैं अपनी जान पर खेल सकती हूँ, लेकिन ऐसी साजिश के लिए मैं किसी कीमत पर तैयार नहीं। अनंतु के वस्तु संघ इसलिए बना, ऐसे सच्चे और बहादुर सिपाही को अपने ही हाथों फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए। नहीं अनिरुद्ध, नहीं। विशाखा, विशाखा, गार्ड। हम इस सफर में जहां पहुंचे वहां से वापसी नामुमकिन है विशाखा। पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह हमारा पीछा कर रही है। आज नहीं तो कल हमारी ये कहानी खत्म हो जाएगी विशाखा। लेकिन मैं एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ। I want to set an example for the future revolutionaries। विशाखा, सुनहरी हरफों में हमारा नाम लिखा जाएगा। विशाखा, फांसी के फंदे तक मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो जब तक कि हम दोनों खत्म ना हो जाए। छोड़, छोड़ मुझे। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन जनता का क्रोध तुम्हें नहीं छोड़ेगा। नहीं भूखे नंगे मजदूर तुम्हारा फैसला करेंगे। उस फैसले से तुम डरो अनिरुद्ध, मुझे न डराओ। मेरे जीवन का आदर्श है ये मजदूर। गवाहों के बयान से साबित हो चुका है कि सगीना बहादुर ने मजदूरों के आंदोलन में उनके साथ शर्मनाक गद्दारी की। साबित हो चुका है कि सगीना बहादुर गद्दार है। अब इसका फैसला आप लोगों के हाथ में है। अपना फैसला सुनाइए ताकि इस रात के साथ साथ सगीना बहादुर की मनहूस कहानी भी खत्म हो जाए। ये दरिंदा जनता के आगे बेबस है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपना फैसला सुनाइए। मुजरिम सगीना महतो जैसे विश्वासघाती की सिर्फ एक सजा है। मैं इस जनता की अदालत की तरफ से ऐलान करता हूं कि सगीना महतो की सजा है मौत। बंद करो इंसाफ और अदालत के ये नाटक। मैं मजदूर आंदोलन के एक सिपाही की हैसियत से एहतजाज करता हूँ। आई प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट? कैसा प्रोटेस्ट अमल, कैसा प्रोटेस्ट? किसे परवाह है तुम्हारे प्रोटेस्ट की? जनता फैसला कर चुकी है। मैं जिंदगी भर तुम्हारे इशारों पर कठपुतली की तरह नाचता रहा हूं अनुद्ध बाबू, मगर अब और नहीं। तुम हो कौन? अपने आप को क्या समझते हो तुम? क्या कहा? अच्छा रिपीट अगेन। हजार बार कहूंगा अनुद्ध बाबू, तुम एक अत्याचारी डिक्टेटर हो। अपनी गर्ल्स और अपने मतलब के सिवा तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूं अमल। I warn you for the last time। मुझे धमकाओ मत अनिरुद्ध। सारी दुनिया में तुम जैसे फैसिस्टों के खिलाफ जंग हो रही है। समाजवाद का नारा लगा के दरअसल तुम लोग अपना राज कायम करने चाहते हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं साथियों। ये खुद गर्दानी तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं। इसकी आवाज में तबाही है। होशियार हो जाओ, नहीं तो ये भी मेरी तरह तुमको भी बर्बाद कर देगा। बाबू नहीं ना बाबू। सगीना बाबू ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ बाबू। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। हाँ, लड़ना होगा सगीना, लड़ना होगा। लड़ेंगे, जान की बाजी लगा के लड़ेंगे, लेकिन तुमको हमारे साथ रहना होगा बाबू। हमको रास्ता दिखाना होगा बाबू। हमेशा साथ हूँ सगीना, हमेशा। आखिरी आखिरी जीत हमारी। नहीं बाबू, नहीं ना बाबू। बाबू, 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 इसके चार से मार दे सगीना, सगीना इसके चार से मार दे, इसके चार से, ये कुत्ते का चार नहीं सगीना, इसके चार से मार दे बाबू, बाबू।
बच्चा है तो सामने हम भूखे नंगे मजदूर बाबू पिस्तौल और गोली में विश्वास नहीं करते। ठीक किया पिस्तौल, खाली हाथ है। यही हाथन से हम गरीब अपनी रोटी रोजी पैदा करते हैं। यही हाथन से हम अपने दुश्मन का मुकाबला करते हैं बाबू, उससे बदला लेते हैं बाबू। सपने हवा छोटी आशा छोटा प्यार छोटे छोटे सपने हवा छोटी आशा छोटा प्यार छोटा सफर बत पे गाओ छोटी सी झोपड़ी हवा जहाँ चोरी चोरी कोई गोरी कल को मिली मैंने घोड़ी हंस हंस रही निहारी